और ये डाइवर्ट एंड रूल में हम क्या देख रहे हैं, हम इस डाइवर्ट एंड रूल में ये देख रहे हैं कि हमको एक सब्जवाग दिखाया जा रहा है, हमको एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मैं अक्सर यह सवाल पूछता हूं कि इस देश के भीतर आम आवाम की असली हालत क्या है। आम आवाम की हालत यह है कि देश दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है, देश की इकॉनमी 5 ट्रिलियन की होने वाली है। अगर देश की इकॉनमी 5 ट्रिलियन की हो रही है तो मेरा एक सीधा सवाल है कि वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं, हमारा ये सीधा सवाल है। इसका मतलब ये है कि देश अमीर नहीं हो रहा है, दोस्त अमीर हो रहा है दोस्त। इसका मतलब ये है कि नाम देश का लिया जाता है, तिजोरी दोस्त का बना जाता है। इसका मतलब ये है कि इस देश के भीतर लोगों की जो वास्तविक हालत है उसकी सच्चाई छुपाने की कोशिश की जाती है। आज देश की हालत यह है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 1 घंटे से कम समय में देश के किसी ना किसी कोने में कोई नौजवान आत्महत्या करके अपनी जान गंवा देता है। आए दिन सैकड़ों हजारों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है। कर्जा लेकिन किसका माफ किया जाता है, 1,75,000 करोड़ रुपया नेताओं के बड़े बड़े दोस्तों का कर्जा माफ किया जाता है। तो हे हमारी जनता, हे हमारी आवाम, आपको यह सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश के धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है तो देश के किसानों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। यह सवाल हमको सोचना पड़ेगा, यह सवाल हमको सोचना पड़ेगा कि लोन की माफी अगर बड़े बड़े धन्ना सेठों को मिल सकता है तो हमको 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती है, हमको 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं मिल सकती है। हम यह सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। सर अजीत पासा साहब, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, आपको फ्री में घर मिलता था, आपको गैस चूल्हा मिलता था, आपको टेलीफोन मिलता था, आपको जो है ट्रेन में आने जाने का पास मिलता था। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर ये सुविधा मिल सकती है तो कांस्टेबल को काहे नहीं मिल सकता है। अगर कांस्टेबल को मिल सकता है तो टीचर को क्यों नहीं मिल सकता है, अगर टीचर को मिल सकता है तो बैंक में काम करने वालों को क्यों नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि जिसको आप पोर्ट दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, अगर उसको सारी सुविधा दे सकते हैं तो दुकानदारों को सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं, आम आवाम को सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं, ये हमारा सवाल है। ये जो मॉडल है इस मॉडल को हमको समझना पड़ेगा, और इस मॉडल को जब हम समझते हैं तो सिर्फ देश की ही नहीं राज्य की भी सियासत हमको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। राज्य की हालत क्या है, राज्य की हालत यह है कि इस राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया गया। एक कमिटी थी जिस कमिटी का नाम था ज्वाइंट एक्शन कमिटी, और वह जो ज्वाइंट एक्शन कमिटी थी उसमें रहने वाले लोगों ने, उसमें शामिल लोगों ने दिन रात संघर्ष करके, आंदोलन करके, अपनी जान गवा करके, इस मंच से मैं उन शहीदों को सलाम पेश करता हूं, उनको जो है अपना वो जो बलिदान दिए हैं उसके लिए मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। लोगों ने जान गवा करके यह राज्य लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी और श्रीमती सोनिया गांधी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि तेलंगाना राज्य बनेगा। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, हैदराबाद को लेकर के बड़ी मशक्कत हो रही थी कि हैदराबाद कहां जाएगा, हैदराबाद का क्या होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि हैदराबाद को चंडीगढ़ बना दिया जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना के साथ रहा और आज के डेट में हैदराबाद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आईटी सेंटर है। मेरा एक सीधा सवाल है, इस तेलंगाना को बनाने के पीछे जो मकसद था, नीलू निदलू नियमा कालू, मतलब पानी पे
पैसा और रोजगार, यही था ना नारा। मेरा एक सीधा सवाल है, ये नीलू निदलू नेमा कालू के सिद्धांत पे बना हुआ तेलंगाना आज उसकी हकीकत क्या है? आज उसकी हकीकत ये है कि हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का हब है, लेकिन तेलंगाना के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हैदराबाद के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नेमा कालू की बात करने वाले लोगों से ये पूछना चाहिए कि आपने पिछले 9 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया है? मात्र 70,000 तेलंगाना पुलिस की बहाली को छोड़ करके कोई भी बहाली नहीं दी गई है, ना ग्रुप 1 की, ना ग्रुप 2 की, ना ग्रुप 3 की, ना ग्रुप 4 की, कोई बहाली नहीं दी गई है। जब एग्जाम आता है, पहले तो एग्जाम आता नहीं है, बड़ी मुश्किल से अगर एग्जाम आ जाए तो पेपर लीक हो जाता है। अरे ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाला ऑफिस चला रहे हैं कि गटर चला रहे हैं कि बार बार लीक हो जाता है? ये क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है कि मैं सुन रहा था, एक नेता भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि तेलंगाना का हमने शानदार विकास किया है। तो मेरा मन किया कि मैं उनसे पूछ लूं कि आपने अगर शानदार विकास किया है तो 15% बेरोजगारी तेलंगाना में कैसे है? पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी तेलंगाना में कैसे है? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मेरा सीधा एक बात है आपसे, हमारा ना खुद कैरियर बनाने का प्लान है और ना किसी के कैरियर से हमको कोई लेना देना है। एक ही बात है कि सच की पैदाइश है, सच बोलेंगे और सच के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देंगे। आपके बीच अगर आए हैं तो आपके हकूक के लिए आए हैं और आपकी जो समस्या है उन समस्याओं को उठाना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन जब हम यहां आ रहे थे तो हमको खबर मिली कि हमारी पार्टी के गाड़ी को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। अरे बाबू एक बात सुन लो, तुम्हारा बॉस जिससे डरता है ना, जैसा का बाप, हमको उसी से डर नहीं लगता है। इसीलिए ये गुंडागर्दी अपने पास रखना, जहां जाते हैं सीने में आग लेकर के जाते हैं, मोहब्बत है हमारा लोगों के प्रति, तुम्हारी गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं। और ये याद रखना कि एक बार जनता ने अगर बदलने का मन बना लिया तो फिर उस बदलाव को कोई रोक नहीं सकता है, वो बदलाव होकर के रहता है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि इस देश का इतिहास ये है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी अपना चुनाव हारना पड़ा है। इस देश का इतिहास ये है कि जब तक आम लोग किसी बात को इग्नोर करते रहते हैं तो तुम अपने आप को ताकतवर समझ सकते हो, लेकिन इस देश की आवाम जिस दिन अगर ये तय कर लेती है तो जब अंग्रेजों का राज नहीं रहा ना तो तुम्हारे बाप का राज भी नहीं रहने वाला है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि हमारा सवाल इस देश में सिर्फ सरकार बदलने या बनाने का सवाल नहीं है, हमारा सवाल ये है कि राजनीति में फिर से आम लोगों का मुद्दा पुनर्स्थापित हो। राजनीति में फिर से अगर राजनीतिक विमर्श हो, राजनीतिक बहस हो, तो इस बात पे हो कि लोगों को रोजी रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा, लोगों को मकान कैसे मिलेंगे, सड़कें कैसे बनेगी, फैक्ट्रियां कैसे खुलेगा, रोजगार के साधन कैसे बढ़ेंगे और तमाम धर्म और जाति के लोग मिलकर के समाज में अच्छे से कैसे रहेंगे, मोहब्बत से कैसे रहेंगे, हमको ये स्थापित करना है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि चाहे आप कर्नाटका की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, हम हमारी पार्टी इस देश में वेलफेयरिज्म को लेकर के, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के सीरियस है। इसीलिए जो वादा हम आपसे कर रहे हैं वो सिर्फ वादा नहीं है। अगर हम आपको कह रहे हैं कि तेलंगाना में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, मतलब हमारी सरकार आएगी तो बिजली फ्री मिलेगी, इसको कोई नहीं बदल सकता है। अगर हमने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। अगर हम कह रहे हैं कि 500 में सिलेंडर मिलेगा तो 500
हजारों में सिलेंडर मिल रहा है, जहां हमारी सरकार है वहां 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि जो मॉडल हम कर्नाटक में लेकर के आए हैं, जो मॉडल हम राजस्थान में लेकर के आए हैं, आप लोगों को यह जानना चाहिए कि राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज सरकार मुफ्त दे रही है, और इस बार हमने ये तय किया है कि 50 लाख तक का जो चिरंजीवी योजना के तहत लोगों को इलाज मुफ्त देंगे। और खास करके मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, रे दोस्त, नेता का बेटा नेता बन जाता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो मास्टर का बेटा कम से कम मास्टर ही बन जाए, पुलिस वाले का बच्चा कम से कम पुलिस वाला ही बन जाए, दुकानदार का बेटा कम से कम दुकानदारी ही करने लगे। अगर वो अपने बाल बच्चे के बारे में सोच रहे हैं ना, अगर वो केसियार से क्या होंगे हैं, बिटियार नहीं केटियार, तो बड़ा कंफ्यूजन है भाई साहब, ये टीआरएस से बीआरएस, केसीआर से केटीआर, बड़ा कंफ्यूजन है। मेरा एक सीधा सा बात है कि अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो अपने लिए राजनीति कर रहा है, प्रधानमंत्री का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो अपने लिए राजनीति कर रहा है। हे मेरे देश के नौजवानों, हे मेरे तेलंगाना के नौजवानों, आप भी अपने लिए राजनीति कीजिए, और इस देश के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको बराबरी का हक दिया है। प्रधानमंत्री के बेटा का वोट भी एक होता है और मुख्यमंत्री के बेटा का वोट भी एक होता है और जूता सिलने वाले के बेटा का भी वोट एक होता है। तो वोट की ताकत आपके हाथ में है, और आपके हाथ में है तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि तेलंगाना में समय पे एग्जाम हो। और हमारी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह फैसला लिया है कि 3 तारीख को जब आप सरकार बदलेंगे तो तेलंगाना में सरकार अभी तक जॉब कैलेंडर नहीं लेकर के आई है, हमारी पार्टी जॉब कैलेंडर लेकर के आई है कि 1 फरवरी को हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे और फेज वाइज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 का एग्जाम लेकर के हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है, और इस प्रतिबद्धता के संबंध में एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। कहां गए कैंडिडेट साहब, यहां है ना, बैठिए बैठिए बैठिए। ये पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, ठीक है, तो इनसे मैं बस एक बात आपको कहना चाहता हूं और इनके सामने में कहना चाहता हूं, 30 तारीख को अगर आपने इनको एमएलए बना दिया, 3 तारीख को रिजल्ट निकला, अगर 1 फरवरी को ये 2 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तो आप सब हमारे साथ चलिएगा, इनके घर का शीशा हम फोड़ेंगे, इनके खिलाफ आंदोलन हम करेंगे, अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन हम करेंगे आपके हक और अधिकार के लिए। यह हमारी प्रतिबद्धता है। जानते हैं, लोकतंत्र को ना थोड़ा हम लोग भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं। जब तक ब्याह नहीं होता है तब तक रात को 2-2 घंटा फोन पे आई लव यू, क्या खाई, मन नहीं लग रहा है, अजी भी शादी हो जाती है तो काम के लिए बाहर निकले हैं, काम से लौटते हुए थोड़ा अपने दोस्त के पास चले गए हैं, बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, उधर से फोन आया, कहाँ है, लेट हो गया, आए नहीं अभी तक, अरे रखो फोन, काम में है अभी, करते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, छोड़ के चली जाएगी तब पता चलेगा। लोकतंत्र को, जमहूरियत को टेकन फॉर ग्रांटेड किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर जनता टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है तो नेता भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेना लग पड़ता है। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहते हैं, खास करके हमारी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं। माता जी रोटी बनाती हैं, बनाती हैं ना, तो रोटी को समय पे पलटना पड़ता है ना, नहीं पलटते हैं तो क्या होता है, जल जाएगी ना। 9 साल से आपने रोटी नहीं पलटी है इस राज्य में, नहीं पलटे हैं ना, तो पलटेगी इस बार रोटी। मां लक्ष्मी योजना के तहत
इस बार रोटी पलट दीजिए, सरकार बदल दीजिए। मलकपेट ओल मलकपेट अंडर दिन गाय ओल मलकपेट का मन मार्च को मार्च डिस्कस फर्स्ट मंच में बैठे हमारे बुजुर्ग और मेरे साथियों और ऑल कांग्रेस सीनियर लीडर्स को हमारे तरफ से धन्यवाद, और मेरे सामने बैठे मेरे भाई और बहने सबको मेरे सलाम। आज ये जलसा अपना जलसा है, अपने वहां से ये जलसा करे है, इंशाल्लाह ताला ये जलसा बदलाव जलसा है। सबको मालूम हो रहा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा नहीं हो रहा, चेंजेस दिख रहे नहीं दिख रहे। इंशाल्लाह ताला 15 साल का जो हुकूमत उन लोगों का था वो बदलाव 100% नवंबर तक खत्म होने वाला है। आप सबको मुबारकबाद देता हूं। अंदर की 15 संवत्सराल पवर इच्छो तक దానిని కరెక్ట్ వాడకుండా ఈ విధంగా మనని డెవలప్ చేయకుండా 15 సంవత్సరాలు ఇంకా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు సుధీర్ కుమార్ గారిని పెద్ద మనుషులు ఉన్నప్పుడు ఎలా అయితే డెవలప్మెంట్స్ అయినాయో అవే డెవలప్మెంట్స్ ఈరోజు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. మల్లెడ్డి టైంలో జరిగిన డెవలప్మెంట్స్ అదే డెవలప్మెంట్స్ ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో జరిగిన డెవలప్మెంట్స్ మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ఎవరు గత 15 సంవత్సరాల నుంచి మా ఏరియాలో కొత్త ఇండ్లు వచ్చినాయి, కొత్త హాస్పిటల్ వచ్చింది, కొత్త స్కూల్ వచ్చింది అనేది ఎక్కడ నాకు డిస్కషన్ రాలేదు నా పాదయాత్రలో. ఇది నేను ప్రాక్టికల్ గా తిరిగి చూసి నేను చెప్తున్న విషయం. ఇది వాస్తవమా లేదా? కొత్త స్కూల్ వచ్చింది, ఎన్ని స్కూల్ నయా స్కూల్ ఆయా జో పురాణ స్కూల్ ఆ బంద్ హో గే, నయా స్కూల్ కి బాత్ నహీ. ఔర్ కుచ్ నయా హాస్పిటల్ ఆయేగా మలకపేట్ మే, कुछ नहीं है, जो पुराना और पुराना हो गया और कुछ नए की बात नहीं है, सच है ना है? और कुछ चीजें हो गए इसमें जनरली अपन परमिशन लेना है, घर का परमिशन लेना है। कहां जाते हैं अपन? बल्दिया को जाते, राइट? यहां पे बल्दिया का नहीं है, बलाला के पास जाना है, ये सच है। परमिशन बल्दिया से नहीं मिलता, बलाला से मिलता। और तुम 4 फ्लोर डाले, 5 फ्लोर डाले, उसमें एक हिस्सा भी उनका मिलता, हाँ नहीं? और कोई करंट बिल, वाटर बिल, कुछ भी प्रॉब्लम है सीधा बलाला के पास जाना है। क्यों, बल्दिया नहीं है क्या? तो गवर्नमेंट नहीं है क्या? पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं है क्या? अगर कोई तुम्हारे साथ गड़बड़ करा किसके पास जाना है? सीधा पुलिस स्टेशन पर जाना है। लेकिन आप लोग कहां जा रहे? सीधा बलाला के पास जा रहे हैं। क्या, क्यों भाई? गवर्नमेंट पे तुम्हारे को भरोसा नहीं क्या? भरोसा बलाला पे है। लेकिन बलाला क्या कर रहा? उनका भी केस बन रहा, दोनों लड़ रहे, दोनों पे भी केस लड़ रहा, दोनों लड़ते रहना, केसों पे मिलते रहना, ये वाला क्या मलकपेट, राइट? ओल मलकपेट अंटे असल मलकपेट अंटे इधी पातदी काबट्टी ओल मलकपेट अंटारु, కొత్తగా ఎక్స్టెన్షన్ అయింది మిగతా ప్లేసెస్, రైట్? బట్ ఓల్డ్ ఇంకా ఓల్డ్ గానే ఉంచుదామా? ఎప్పుడైనా ఒక ఒక చెట్టు ఒక విత్తనం స్టార్ట్ అయినప్పుడు దాని ఎదుగుదల వచ్చినప్పుడు దాని పేరు పెరుగుతూ పోవాలి, పెరగాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఓల్డ్ మలకపేట ఇంకా ఓల్డ్ గానే ఉంది. బట్ మనం కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో ఓల్డ్ మలకపేట ని గోల్డ్ మలకపేట చేసుకుందాం. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓల్డ్, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి గోల్డ్ మలకపేట. నాతో నేను ఉన్నానంటే 100% ఓల్ మలకపేట గోల్ మలకపేటగా అవుతుంది. 100% కాంగ్రెస్ తరపు నుంచి నేను ఇచ్చే వాగ్దానము మీరు నమ్మండి, కొన్ని నమ్మాలి, నమ్మినప్పుడు మాత్రమే జరుగుతాయి, లేకుంటే జరగవు.